स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 7 की नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो हमारा फोर्थ चैप्टर चला हुआ था सिंपल इक्वेशन, ये लास्ट एक्सरसाइज है 4.4। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ पार्ट दिए हुए हैं, तो वन बाय वन हम करते हैं। पहला जो पार्ट दिया हुआ है उसमें कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर वन में सेटअप इक्वेशंस। पहले आपको इक्वेशन सेटअप करनी है, ये वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है आपको। इक्वेशन पहले आपको इक्वेशन बनानी है, देन कह रहा है एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर। कुछ कोई केस दिए हुए हैं, उनमें सब में आपको अननोन नंबर को फाइंड आउट करना है। अननोन नंबर मतलब जो भी आपसे पूछ रहा है इसके अंदर, वो आपको मतलब वेरिएबल आपको लेट करना पड़ेगा वर्ड प्रॉब्लम के अंदर। तो वेरिएबल लेट करके उस नंबर को आपने फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, ये कह रहा है एड फोर टू, ये फर्स्ट पार्ट ए पार्ट है। एड करना है फोर किस में, टू एट टाइम्स नंबर। कोई नंबर है, वही अननोन नंबर है, ये अननोन नंबर है ए नंबर, इसके एट टाइम में हमने फोर ऐड कर देना है। फिर कह रहा है यू गेट 60। आप जब फोर टाइम में एट ऐड करते हो तो आप कितना कितना गेट करते हो, आपको एट 60 गेट होता है, मतलब 60 प्राप्त होता है। तो आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे बच्चे, जो नंबर हमें फाइंड आउट करना है वो अननोन नंबर है, उस नंबर को मैं लेट कर लेता हूँ। तो हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट द नंबर, जो नंबर अननोन है आपके लिए वो हमने लेट कर लिया, कुछ भी ले लीजिए, एक्स वाई जेड बी एक्स लिख लो, बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। जो नंबर हमें फाइंड आउट करना है बच्चे, उसको मैंने क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया। तो ये जो नंबर फाइंड आउट, अब इसमें हम कंडीशन क्या दी हुई है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एड फोर टू एट टाइम्स, एड कितना करना है, फोर ऐड करना है, किसमें, एट टाइम्स ए नंबर। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह सकते हो आप, जो लिखना चाहो। तो कंडीशन में कह रहा है कि कोई नंबर है, वो हमने कर लिया लेट एक्स, उसके एट टाइम्स में, एट टाइम्स का मतलब इसको एट से मल्टीप्लाई कर दें, एट इंटू एक्स, तो एट एक्स हो जाएगा। और उसमें क्या ऐड कर दें, ऐड फोर कर दें, ऐड का मतलब प्लस कर दिया हमने कितना, फोर। फिर कह रहा है यू गेट 60, तो आपको क्या मिलेगा जब आप 4 ऐड करेंगे, तो आपको 60 प्राप्त होगा। तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 60। तो ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन बन गई। तो फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, सेटअप इक्वेशंस। तो इक्वेशंस तो हमने इसकी बना दी, जो सिंपल इक्वेशन थी। फिर उसके बाद कह रहा है इसको सोल्व करना है, तो सोल्व हम अभी तक करते ही आए हैं, लास्ट की एक्सरसाइज में हमने इक्वेशंस को ही सोल्व किया, तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस का 4 है, इसको हम उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो 8x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो उधर क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो कितना बचा बच्चे, 60 में से जब 4 माइनस होगा तो ये आ गया 56। 8 से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 8 7 जा 56, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। सो द नंबर क्या आ गया आपका, सो द नंबर जो हमने लेट किया था वो कितना आ गया, 7 आ गया। हमने लेट किया था x, x की वैल्यू 7 आ गई, तो नंबर जो है आपका 7 आ गया। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 7 8 जा 56, और 4 60 आ गया। दोनों साइड क्या आ गई आपकी, इक्वल आ गई। इट मीन्स आपका क्वेश्चन क्या है, सही है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो पार्ट नंबर बी है उसको पढ़ेंगे हम। उसी में उसमें क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है बी पार्ट में कि 1/5 ऑफ ए नंबर, कोई नंबर है उसका 1/5 जो है उसमें से माइनस कर देते हैं क्या, 4। एक नंबर है उसका 1/5 लेंगे और उसमें से 4 को हम माइनस कर देंगे, तो गिव्स क्या होगा, हमें प्राप्त क्या होगा, 3 गेट होगा। तो हम लिख लेते हैं लेट द नंबर, तो नंबर को हम लेट कर लेते हैं। तो नंबर क्या ले लिया हमने, बी एक्स। अब जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा वैसा हम करते जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है भाई, कंडीशन कह रहा है 1/5 ऑफ ए नंबर। तो नंबर क्या लिया हमने, एक्स लिया है, एक्स का 1/5, तो x डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। 1/5 का मतलब 1/5 से x को मल्टीप्लाई कर दें या 5 से x को डिवाइड कर दें, तो एक ही बात है। तो हमने x अपॉन 5 ले लिया। उसके बाद कह रहा था 1/5 लिया किसी नंबर का और उसमें से माइनस करना है 4, तो इसमें से हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं 4, गिव्स 3, तो इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। तो अब हम ये इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व करते हैं। 4 को हम उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा बच्चे, x अपॉन 5 इज इक्वल टू 3, ये प्लस का हो जाएगा, उधर राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, ये कितना हो गया, 7, तो ये डिवाइड में है 5 उधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 7 5 जा 35। सो द नंबर क्या आ गया, सो द नंबर इज आपका 35, ये आंसर हो गया। देखो 35 का आप 1/5 करो, 35 को 5 से डिवाइड करो, 7 आ गया, 7 में से 4 माइनस करो, कितना बचा, 3 बचा, तो ये आपका
इस तरीके से जो है आप वेरीफाई कर लिया हमने, ये बिल्कुल सही है, करना नहीं है वेरीफाई आपको, तो वैल्यू फाइंड आउट करनी, वो नंबर फाइंड आउट करना है, अननोन नंबर, बस इतना ही करना। फिर आप देखिए नेक्स्ट जो है इसका सी पार्ट हम देखेंगे। सी पार्ट में क्या कह रहा है बच्चे, पढ़ेंगे सी पार्ट को। इसमें लिखा है कि इफ़ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर, तो वो नंबर हम लेट कर लेंगे, हमने क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया, मैं पूरा लिखूंगा नहीं, अब आप खुद ही लिखेंगे। आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर, कोई नंबर है उसका 3/4 लिया हमने, 3/4 लिया किसका, एक्स का, एक्स मैंने नंबर लेट कर लिया, लेट द नंबर बी एक्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इसका 3/4 लेंगे, 3/4 इंटू एक्स। उसके बाद क्या कह रहे हैं, 3/4 ऑफ ए नंबर एंड 3, इसमें क्या करना है, ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, एंड ऐड, यहाँ पर है ऐड करना है, ऐड 3 टू इट, इसमें 3 ऐड करना है, तो प्लस में क्या कर दिया 3, आई गेट 21, तो इज इक्वल टू क्या गेट होता है, 21 गेट होता है, तो ये कितना आ गया बच्चे, 3/4 एक्स ही कह दूँ इसको, प्लस का 3 को हम पहले उधर शिफ्ट करेंगे, तो 21 माइनस 3 कितना बच गया, 18, इधर क्या है बच्चे, 3/4, तो मैंने आपको कहा था जो डिवाइड में होता है उसको हम मल्टीप्लाई में कर देते हैं, और जो मल्टीप्लाई में होता है उसको हम डिवाइड में करेंगे, तो 4 देखो नीचे है तो डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो नीचे आ गया, बस इसको सोल्व कर दीजिए, 3 6 जा 18, 6 4 जा 24, तो लिखेंगे सो द नंबर क्या आ गया, बी 24। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं, आंसर आ गया 24 आपका। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट इसका, डी पार्ट, तो डी पार्ट में क्या लिखा, जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन पे, व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर, कोई नंबर है उसमें से हमने 11 सब्ट्रैक्ट कर दिया, किस में से, ट्वाइस में से, यानी डबल में से, ट्वाइस का मतलब है डबल, उस नंबर का डबल किया, उसमें से 11 को सब्ट्रैक्ट किया, तो रिजल्ट क्या आ जाता है, द रिजल्ट वॉज 15, तो रिजल्ट 15 आ जाता है, तो इसको हम देखेंगे भाई स्टेप वाइज, तो पहले हम क्या करेंगे, नंबर को हम लेट कर लेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, तो एक्स हमने नंबर लेट कर लिया, फिर उसके बाद क्या करना है, इसका ट्वाइस करना है, ट्वाइस मतलब टू टाइम्स, इसको हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया अकॉर्डिंग टू कंडीशन, फिर सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से 11, सब्ट्रैक्ट कर दिया, रिजल्ट क्या आ जाता है, यानी इज इक्वल टू आ जाता है 15, बस सिंपल है बिल्कुल ही, तो इक्वेशन बन गई, अब इसको सोल्व करना है, तो 2x जो 11 माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, अब क्या हो गया, उधर हो गया 15 प्लस 11 कितना आ गया बच्चे 26, और ये x के मल्टीप्लाई में 2 इधर आएगा डिवाइड में, 2 से कट जाएगा 13, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 13 आ गई, तो ये 13 आपका सो द नंबर क्या आ गया इज 13, तो नंबर जो है वो आपका आंसर क्या आ गया 13। अब हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर ई, जो ई पार्ट है उसमें क्या कह रहा है, मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक, मतलब जितनी नोटबुक हैं उसका 3 times, थ्राइस मतलब 3 times, 3 times क्या कर देता है, सब्ट्रैक्ट कर देता है, किसमें से बच्चे, ये 3 times है, ये सब्ट्रैक्ट कर देता है किसमें से, ही हैज फ्रॉम 50 में से सब्ट्रैक्ट करता है 3 times नंबर ऑफ नोटबुक्स का, ही फाइंड द रिजल्ट टू बी 8, और उसका रिजल्ट क्या मिलता है 8 मिलता है, तो लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ बुक्स, लेट द नंबर ऑफ बुक्स बी, नंबर ऑफ बुक्स बी हमने ले लिया x, वेरिएबल हमने लेट करना है कुछ भी, आप x, y, z, u, v, a, b, c, d जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखेंगे बच्चे, यानी हमने पहले क्या करना है, इक्वेशन जो है कंस्ट्रक्ट करनी है, तो ध्यान से पढ़ेंगे, मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर, नंबर का 3 times, थ्राइस मतलब 3 times, इसको सब्ट्रैक्ट करता है किसमें से, फ्रॉम 50 में से इसको सब्ट्रैक्ट करता है, तो 50 माइनस 3 times ऑफ x, ध्यान से देखना 50 में से माइनस करना है 3 times ऑफ x, तो ही फाइंड द रिजल्ट इज इक्वल टू कितना आता है, उसका रिजल्ट इज इक्वल टू आता है 8, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये 50 किसका है, इधर प्लस का है, तो इसको हम उधर शिफ्ट करेंगे, तो ये आ गया बच्चे माइनस 3x इज इक्वल टू क्या है 8, ये 50 प्लस का है उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चे माइनस का, तो ये कितना बचेगा, बड़ा माइनस का है, माइनस का 42, इधर क्या है माइनस 3x, तो माइनस 3x से इसका मल्टीप्लाई है, इधर क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x यहीं पे रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 3 से ये कट जाएगा, 14 3 जा 42, तो नंबर ऑफ बुक्स क्या आ गई बच्चे, सो द नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू 14, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से जो है आप इसको कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है आई विन एल थिंक्स ऑफ ए नंबर, एक लड़का है
आई बिन हेल, वो जो है एक नंबर को थिंक्स करता है, सोचता है एक नंबर, तो हमने ले लिया जो नंबर उसने सोचा है वो मैंने ले लिया एक्स, कि हमने मान लिया कि उसने एक नंबर है थिंक किया है, वो है एक्स, लेट द नंबर आई बिन हेल थिंक्स बी एक्स। इफ सी, लड़की है ये, इफ़ सी एड्स 19 टू इट, इसके अंदर वो 19 ऐड करती है, प्लस के प्लस 19, फिर कह रहा है टू इट एंड डिवाइड द सम बाय 5, और इस ये जो सम आया इसको 5 से डिवाइड कर देती है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम करे जा रहे हैं। द सी विल गेट 8, तो वो उसको क्या प्राप्त होता है बच्चे, 8 प्राप्त होता है। तो बस ये इक्वेशन बन गई है आपकी, अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो 5 डिवाइड में है, पहले आप उधर ले जाइए, क्योंकि देखो x प्लस 19 पूरे के डिवाइड में है 5, तो पहले इस 5 को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, तो x प्लस 19 इज इक्वल टू ये 8, ये डिवाइड में है तो इधर जा करके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 8 5 जा 40 आ गया, तो x इज इक्वल टू, अब ये 19 प्लस में है इसको उधर शिफ्ट कर दो तो माइनस का हो जाएगा, कितना बचा बच्चे 21 आपका आंसर आ गया। सो द नंबर आई विन हेल थिंक्स इज इक्वल टू 21 उसने थिंक किया था, देखो आप 21 में 19 ऐड करो कितना हो गया 40, 40 को 5 से डिवाइड करो क्या आएगा 8 आएगा, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, आंसर अनवर थिंक ऑफ ए नंबर, अनवर ने एक नंबर थिंक किया है, तो वो नंबर हमने क्या ले लिया बच्चे, वही लेट द नंबर, लेट द अनवर थिंक्स द नंबर बी एक्स, वो हमने एक्स कह दिया। फिर कह रहे हैं If he takes away 7 from 5/2 of the number, the result is 23. बेटा इसको ध्यान से पढ़ना है आपने, क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझना है। ये कह रहा है कि अनवर ने एक नंबर थिंक किया जो हमने ले लिया x। आगे कह रहा है if he takes away 7 from 5/2 of the number, 5/2 जो है नंबर का वो लेता है और उसमें से 7 टेक्स अवे, यानी कि इसका 5/2 और इससे 7 दूर, यानी इसमें से 7 माइनस करना है, इसको ध्यान से समझना है। इफ़ ही टेक्स अवे 7 टेक्स अवे कहाँ, किससे, फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, 5/2 ऑफ द नंबर, नंबर क्या था हमने x लिया था, x का 5/2 उसमें से 7 माइनस कर दिया, तो द रिजल्ट इज 23, तो रिजल्ट क्या आ जाता है 23 आ जाता है। बस इसको सोल्व करेंगे तो ये 5/2x, पहले हम क्या करेंगे इस -7 को उधर शिफ्ट करेंगे, तो 23 प्लस 7 ये कितना हो गया बच्चे 30, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 से डिवाइड किया हुआ है उधर जाके मल्टीप्लाई, 5 ऊपर मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, 5 6 जा 30, 6 2 जा आपका कितना आ गया 12 आ गया, तो ये आंसर क्या आ गया बच्चे 12 आ गया, तो वेरीफाई भी कर सकते हो आप, चेक कर सकते हो इसको। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट जो है वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।